तेरा पुत्र राजा दुर्योधन उस समय व्यूह रचना से सजी हुई पांडवों की सेना को देखकर बड़ी व्याकुलता से द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन बोला, मेरे पूज्य आचार्य, अपने बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र दृष्टद्युम्न द्वारा सजाई गई पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए, अथवा अपने कट्टर शत्रु दृष्टद्युम्न और शस्त्र अस्त्र के संचालन में परम कुशल अपने बुद्धिमान शिष्य अर्जुन द्वारा सजी हुई पांडवों की इस बड़ी सेना को देखिए कि यह कितना घोर रूप धारण किए हुए है। पर पक्ष में परले पार के पक्षपाती प्रबल शूरवीर सेना नायक है, यह दर्शाता हुआ वह बोला, इस पांडव सेना में भीम और अर्जुन के सदृश युद्ध विद्या में कुशल जो धनुर्वीर हैं, उनमें महारथी सात्की है। अब यहां पर महारथी शब्द आएगा, महारथी से तात्पर्य इन सभी जिनके नाम अब दुर्योधन लेगा, एक एक महारथी महारथी क्यों कहलाए कि जो पहले युद्ध हो चुके हैं। एक एक व्यक्ति ने दस दस हजार सैनिकों का अकेले सामना किया हुआ है। महारथी की यह उपाधि कैसे प्राप्त हुई है? एक शब्द आ गया महारथी, जिससे यह सूचित करता है कि यह वह है जिन्होंने इस युद्ध से पहले जो युद्ध हो चुके हैं, अकेले एक व्यक्ति ने 10,000 सैनिकों का वध किया हुआ है, अकेला उनके साथ लोहा लेकर उन पर विजय हासिल की है एक व्यक्ति ने, ये महारथी। इस पांडव सेना में भीम और अर्जुन के सदृश युद्ध विद्या में कुशल जो धनुर्वीर हैं, उनमें महारथी सात्की है, विराट है, द्रुपद है, दृष्ट केतु है, चेकीतान है, शक्तिशाली काशीराज है, पुरजित है, कुंती भोज है और नरश्रेष्ठ शैव्य है। इसी प्रकार महाबली युद्ध अभिमन्यु है। पहले महारथी, अब महाबली, बलवान उत्मौजा है, सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु है और द्रौपदी के पुत्र हैं, ये सभी सेना नायक महारथी हैं। बड़ी बड़ी रथ सेनाओं के सेनापति हैं। हे द्विजों में श्रेष्ठ, अब हमारे पक्ष के जो मुख है
विशेष वीर हैं, मेरी सेना के नायक हैं, उनको आप जान लीजिए। आपकी जानकारी के लिए उनके नाम मैं आपको बताता हूं। उनमें एक तो आप हैं, भीष्म है, करण है, युद्ध में विजय पाने वाला कृपाचार्य है, अश्वत्थामा है, विकर्ण है और ऐसे ही सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा है। अन्य भी बहुत से शूरवीर मेरी सेना में विद्यमान है, जो मेरे लिए जीवन त्याग किए हुए हैं और जो अनेक प्रकार के अस्त्रों से युद्ध करने वाले हैं। वे सभी युद्ध करने में निपुण हैं। ऐसे शूरवीर सेना नायक होते हुए भी भीष्म से सुरक्षित संचालित हमारा सेना बल अधूरा है। हमारा प्रधान सेनापति भीष्म है, वह वयोवृद्ध है, पांडु पुत्रों में भी प्रेमबद्ध है और उनकी हित कामना भी किया करता है। इस कारण हमारी सेना शक्ति अपूरण है, परंतु भीम से रक्षित संचालित इन पांडवों का सेना बल पर्याप्त है। पांडव सेना का रक्षक हमारा कट्टर शत्रु, प्रबल विरोधी भीम है, जो अपने पक्ष का परम पोषक है। अब इन सब बातों को स्मरण रखना, जो दुर्योधन कह रहा है, जो अपने पक्ष का परम पोषक है। आगे चलने से पहले जो रीति में महाराज ने हमें कहा है, स्त्री पुरुषों को चाहिए कि वे इस पावन पाठ को एकाग्र मन से किया करें। अब शब्द अर्थ नहीं और इसके सरस सार को समझने में अधिक समय लगाएं। एक एक शब्द यहां एक केवल युद्ध क्षेत्र की बात अब सार में नहीं स्मरण रखने। यह अवस्था हमारे जीवन में हमारे परिवारों में होगी। जब पुत्र दूसरे पुत्र से लड़ाई झगड़ा होगा, नाती गोते एक दो चार दस नहीं, अनेक नाती गोती हमारे सम्मुख हमारे सामने वह लड़ाई झगड़ा कर रहे होंगे। इसका सरस सार ये पहला अध्याय अति महत्वपूर्ण है। अपने परिवारों को, सगे संबंधी, दोस्त मित्र, ऐसी अवस्था में मुझे क्या करना होगा, यहां गीता सिखाएगी। प्रसंग युद्ध का है, युद्ध साधक के मन में होता है, अब मुझे क्या करना है।
मुझे किस प्रकार से चलना है, जो सामने है वह कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, परंतु अब मुझे यह निर्णय करना होगा क्या कि यह धर्म के अनुसार कितने हैं, अधर्म के अनुसार कितने हैं। अब यही आगे होने वाला है। पहला ही श्लोक, जिस देश में दान पुण्य, जिस देश में, जिस घर में, जिस परिवार में, सभी दान पुण्य करने वाले होंगे, पर हित परोपकार करने वाले होंगे, यजन पाठ करने वाले होंगे, व्रत ले लिए, जप तप करने वाले हैं, संयमित जीवन है, ये प्रत्येक परिवार को इस पाठ को करके अपना परिवार सम्मुख आएगा, जो पहला ही श्लोक है, जिस देश में दान पुण्य यजन याजन व्रत जप तप संयम आराधन चिंतन ध्यान वेद शास्त्र का पठन पाठन आदि धर्म का पालन होता रहता है, ऐसे परिवारों में जहां जाप हो रहे हैं, पाठ हो रहे हैं, सभी सुकृत कर्म हो रहे हैं, अब वहां पर परिवार के सदस्य के मन में भेद आ जाएगा, अब लड़ाई झगड़ा ऐसे परिवारों में होगा, अब उसको राम भक्त ने किस प्रकार सामना करना है, इसका बहुत महत्वपूर्ण है ये पाठ। तभी बार बार कहा जाता है, महाराज के ग्रंथों को समझने के लिए केवल शब्द अर्थ तक अगर सीमित रह गए, बस ये लाभ तो अवश्य है, अगर शब्द अर्थ पर भी सीमित रह गए तो अगला जन्म मानव का है, निस्संदेह है, जहां पर साधना छोड़ देंगे वहां से आगे आरंभ हो जाएगी, परंतु अब जो हमारा जन्म है, अब शब्द अर्थ के बाद इसका सार क्या है, मेरे जीवन में इसका क्या महत्व है, अब उस पड़ाव पर उस जन्म में हम पहुंच चुके हैं। गीता का सिद्धांत है, कुछ जन्मों के पश्चात, वो पहले जन्म, इसमें शब्द अर्थ हम समझ चुके हैं।